और आइए हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से धरती हिली है, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। क्या करें और क्या न करें ये बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए जब भूकंप आता है, क्योंकि जोन वन में है तो पहले कहाँ आया है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा का कुछ हिस्सा इसमें आता है। और भूकंप में जो भूकंप के 5 जोन है आपको बता रहे हैं, जोन 2 कहाँ कहाँ आता है? तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है। इसके अलावा जोन 3 में कौन कौन से इलाके आते हैं देश में? केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है जोन 3 में। 5 जोन में, जोन 4 में क्या क्या आता है? मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिमी गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा के इलाके जहाँ भूकंप अभी आया है वर्तमान में, वो जोन 4 के तहत आया है। कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जोन 5 में आता है। और लोगों से बातचीत कर रहे हैं हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव, इस वक्त लखनऊ का रुख करना होगा। जी प्रीति, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भूकंप के झटके आए उसके बाद लोग जो है अपने ऑफिसों से बाहर आ गए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कुछ देर पहले भूकंप के झटके आए थे, महसूस हुए थे क्या आप लोगों? हाँ जी, थोड़े 2-3 सेकंड के लिए महसूस हुए थे। हम लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, हमारे नेता दिल्ली से आए थे तो मिलने के लिए उनसे बैठे हुए थे गेस्ट रूम में, एकदम से हिला तो हम लोग निकल के बाहर दौड़ के भाग के आ गए। 2-3 सेकंड के लिए आया था, बहुत तो तेजी मुझे नहीं महसूस हुआ जब भूकंप के सब कुछ हिलने लगा था। क्या एकदम से हिल गया, जैसे लगा चक्कर सा आ गया है। आप जब भूकंप के झटके आए महसूस हुए थे? जी, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, पंखे वंखे थोड़ा हिलने लगे तो हमको लगा कि ऊपर से आवाज़ क्यों आ रही थी, तो देखे तो सबको महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आए हुए, तो हम लोग निकल के बाहर आ गए। कहाँ पे थे आप लोग? वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर बैठे हुए थे। तो आप लोग सब लोग बाहर आ गए जब झटके महसूस हुए? आप सभी लोगों को? सबको महसूस हुए, जितने लोग थे सब लोग तुरंत बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भी काफ़ी भीड़ बाहर से आ गई, जो लोग अंदर थे वो लोग तुरंत बाहर आ गए थे, पंखे वगैरह हिलने लगे थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो सब बाहर आ गए। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये इस समय हम लोग खड़े हैं वीवीआईपी के बाहर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग अंदर मौजूद थे वो अधिकतर जो लोग हैं वो सभी के लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके से महसूस हुआ था। हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं लगातार।